बच्चों आज बात करते हैं HCL गैस और HCL एसिड की। सबसे पहले HCL गैस की बात करते हैं, तो HCL गैस हमारी एक कलरलेस गैस होती है ना, और कलरलेस गैस होने के साथ एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। पर अगर सिर्फ गैस को टेस्ट करोगे लिटमस पेपर पे तो वो एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट शो नहीं करेगा। हाँ, इसको अगर पानी में डुबा के एक्वस सॉल्यूशन में तब लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तब एसिडिक नेचर शो करेगा। तो हमारी एक एसिडिक गैस है, कलरलेस गैस है HCL हमारी, और इसकी स्मेल पंजेंट है, ठीक है, ऐसा पंजेंट स्मेल। बात करते हैं बच्चों इसके बाद सीधा HCL की लैब प्रिपरेशन की, जहां से बोर्ड में सवाल भर के आते हैं। अगर इस चैप्टर सवाल आते हैं तो HCL की लैब प्रिपरेशन पे चलते हैं बच्चों। आपको पता है रिवीजन वीडियो है, तेज चलेगा। लैब प्रिपरेशन पे आते हैं बच्चों HCL की। तो लैब में हमको जब HCL प्रिपेयर करना होता है तो हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, और बच्चों टेम्परेचर को हम रखते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है कि Cl H से कंबाइन करके बनाता है HCl, और Na कंबाइन करता है, यहां से एक H निकला Cl के साथ, क्या बचा HSO4। Na कंबाइन करता है बच्चे के साथ NaHSO4, ये बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और यहां पे हमको मिल गई HCl गैस। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये आता है कि ये जो टेम्परेचर है, why this temperature should be below 200 degree Celsius? अगर ये टेम्परेचर 200 कर दें तो क्या दिक्कत होगी, या 200 से ऊपर कर दें, 200 तक चल जाएगा, 200 से भी ज्यादा अगर ये टेम्परेचर कर दें तो क्या दिक्कत होगी। तो मान लो इफ टेम्परेचर इज अबव 200 डिग्री सेल्सियस, तो देखो रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि NaCl को लिया, H2SO4 से रिएक्ट कराया कंसेंट्रेटेड से, यहां से H निकला, यहां Cl, HCl गैस बनी और बना NaHSO4। अगर ऐसा कर देंगे ना तो क्या होगा रिएक्शन, ध्यान से देखो, NaCl प्लस H2SO4, ऐसा रिएक्शन होगा ना बच्चों, यहां से दोनों H बाहर निकल जाएंगे, यहां से दोनों H बाहर निकल जाएंगे और यहां बनेगा 2HCl। तो आप बोलोगे एक Cl है तो यहां दो लगा लो, बचेगा क्या बच्चों, दो Na बचेंगे और SO4, तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये ना सोडियम सल्फेट जो बन गया, यही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। सोडियम सल्फेट एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये सोडियम सल्फेट ना एक हार्ड क्रस्ट सब्सटेंस होता है, हार्ड क्रस्ट सब्सटेंस, और ये रिएक्शन जिस वेसल में चल रहा होता है ना, जिस ग्लास वेसल में, भाई NaCl नमक रखा वेसल में, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जिस वेसल में ये रिएक्शन चल रहा है उसमें जैसे ही सोडियम सल्फेट बनेगा वो वेसल की दीवारों से चिपक जाएगा। तो इट इज अ वेरी हार्ड क्रस्ट सब्सटेंस एंड स्टिक्स टू द सर्फेस ऑफ द ग्लास, जिसकी वजह से रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, भाई हीट होना बंद हो जाएगा। सो इट स्टिक्स टू द सर्फेस ऑफ द ग्लास। पहली प्रॉब्लम ये थी कि सोडियम सल्फेट बन जाएगा टेम्परेचर 200 से ज्यादा होने पे, विच स्टिक्स विद द सरफेस ऑफ द ग्लास, इट इज अ वेरी हार्ड क्रस्ट सब्सटेंस। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों बड़ी सिंपल है कि हमारा ग्लास का जो अपैरेटस है वो ब्रेक कर जाएगा, ग्लास अपैरेटस में क्रैक। बोलोगे क्यों क्रैक किया यार, इतना हीट करोगे इतना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली वो क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा ग्लास, चिटक जाएगा, रिएक्शन खत्म। और तीसरी प्रॉब्लम यार बड़ी कॉमन है कि फ्यूल वेस्ट हो रहा है। भाई साहब जब रिएक्शन 200 के नीचे हो सकता है तो इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हो, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी हीट देनी पड़ेगी, उतना फ्यूल बर्बाद करोगे तो फ्यूल की बर्बादी भी होगी। तो एग्जाम में सवाल आया कि HCl की लैब प्रिपरेशन में, HCl गैस की लैब प्रिपरेशन में टेम्परेचर 200 से कम क्यों रखा। तो आप बोलोगे 200 से ज्यादा रखने पे भाई साहब पहली चीज तो रिएक्शन में NaHSO4 नहीं बनेगा, दोनों H निकल जाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर लगा दिया यहां से दोनों H निकल गया, रिएक्शन ज्यादा हो गया, दोनों H निकलने से बनेगा Na2SO4, यहां से दोनों H निकल गया SO4 बचा। अब दिस इज अ वेरी हार्ड क्रस्ट सब्सटेंस व्हिच स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द ग्लास एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। दूसरी प्रॉब्लम, ग्लास का अपैरेटस मे क्रैक ड्यू टू ओवरहीटिंग, इतनी हीट कर दी है ग्लास टूट सकता है। तीसरी प्रॉब्लम, फ्यूल क्यों बर्बाद कर रहे हो साहब। तो नोट्स में भी ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और ये आता है कि इसी रिएक्शन में बच्चों, इन द सेम रिएक्शन आपने यहां पे कंसेंट्रेटेड HCl यूज किया, अगर मैं इसकी जगह देखना ध्यान से यहां पे मैं HNO3 यूज करूं और वो भी कैसा कंसेंट्रेटेड, तो क्या रिएक्शन होगा, ब्लड क्लॉट टेम्परेचर बिलो 200 रख लो, क्या रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन होगा, H निकलेगा Cl के साथ HCl और बन जाएगा NaNO3, H निकला Cl के साथ बन गई HCl गैस और क्या बना NaNO3। तो यार नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी, नहीं, क्वेश्चन आता है व्हाई वी कैन नॉट यूज कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, नहीं यूज करते इसको, यूज करते हैं कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रात के 2 बजे हैं, माहौल बढ़िया है, सवाल भी अच्छा है, तो
तो यार कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नहीं यूज करना है जबकि एचसीएल बन रहा है। क्वेश्चन है क्यों? देखो नाइट्रिक एसिड ना एक वोलाटाइल एसिड है, मतलब इसके वेपर्स बनेंगे, है ना, इसके वेपर्स बन जाते हैं। इतने टेम्परेचर पे 180-190 रखोगे, बिलो 200 का मतलब ये थोड़ी ना जीरो, बिलो 200 का मतलब 190-195-180, इतने टेम्परेचर पे ये खुद भी इवेपोरेट हो जाएगा। अच्छा अब यहां पे क्या बनी है, एचसीएल की गैस, अब ये भी इवेपोरेट, दोनों मिल गए तो फायदा क्या हुआ, तुम्हें एचसीएल थोड़ी ना मिलेगा। तुम जिस बीकर में रिएक्शन कर रहे हो, जिस वेसल में, वहां से बाहर एचसीएल गैस नहीं निकलेगी, नाइट्रिक एसिड की भी गैस निकलेगी, नाइट्रिक एसिड के भी वेपर निकलेंगे, एचसीएल के भी वेपर, और दोनों आपस में मिल जाएंगे। तुम बोलोगे ये इसमें नहीं होगा, ना इसमें नहीं होगा, याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल। अभी स्टडी ऑफ कंपाउंड का चौथा चैप्टर पढ़ोगे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की। अगर तुमसे पूछता है कि नॉन वोलेटाइल एसिड का नाम बताओ एग्जाम में, खटाक से सल्फ्यूरिक एसिड बताना, ये नॉन वोलेटाइल है, ये इवेपोरेट नहीं करेगा, ये इससे नहीं मिलेगा, और नाइट्रिक एसिड वोलेटाइल है, इवेपोरेट करेगा और इससे मिल जाएगा, ये प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है बच्चों कि ये जो एचसीएल बना है ना, ये थोड़ा से अपने साथ वाटर वेपर भी कैरी करता है, तो हमें इसको ड्राई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्राई। सो हाउ विल यू ड्राई एचसीएल गैस, है ना, इसको साफ कैसे करोगे, ड्राई मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर कैसे हटाओगे इसमें से, सवाल आ गया। तो आप एक काम करो, पास HCl गैस थ्रू कंसेंट्रेटेड H2SO4। अरे सर उसी से तो रिएक्शन, ना ना, HCl बनने के बाद इस HCl गैस को पास कराओ एक बीकर से, और उस बीकर के अंदर डाल दो कंसेंट्रेटेड H2SO4। इससे क्या होगा सर, क्या फायदा होगा, कंसेंट्रेटेड H2SO4 ना बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यार डिहाइड्रेटिंग सब समझते होंगे, हम लोग बोलते नहीं डिहाइड्रेट हो गए धूप में निकल के, डिहाइड्रेट मतलब कि सारा पानी शरीर का चला गया पसीना बन के। तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसी चीज है जो किसी चीज को डिहाइड्रेट कर देता है, किसी भी चीज के पास अगर पानी होगा ना, सल्फ्यूरिक एसिड उसको पूरा खींच लेगा। तो इस एचसीएल में से सल्फ्यूरिक एसिड पूरा का पूरा पानी निकाल देगा और एचसीएल हमारी ड्राई हो जाएगी। तो कोई पूछे कि हाउ यू ड्राई एचसीएल, तो आप बोलोगे यूजिंग कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपरेशन में भी यूज कर रहे हो और ड्राइंग एजेंट की तरह भी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी, उसमें से पानी निकाल देगा। अब तुम बोलोगे सर ड्राइंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी समझा देता हूँ, एसिड बेसिस सॉल्ट का क्वेश्चन। देखो ड्राइंग एजेंट वाटर वेपर हटाता है, समझो ड्राइंग एजेंट वाटर वेपर हटाता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी के मॉलिक्यूल को कंपाउंड के अंदर से हटाता है। समझाओ, जैसे मान लो मेरे पास अल्कोहल है C2H5OH, और तुम इसके ऊपर लिख दो कंसेंट्रेटेड H2SO4, और मान लो ये यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये इसमें से पानी का मॉलिक्यूल हटा देगा, एक OH और एक H हटा देगा, क्या निकाल देगा H2O, बचेगा क्या C2H4। ये होता है डिहाइड्रेटिंग, और ड्राइंग का मतलब कि किसी चीज के साथ वाटर वेपर मिलके आ रहा है तो वाटर वेपर को हटा देगा, है ना, इसमें केमिकली निकालता है। अब पूछोगे ये क्या, ये दोनों है, ये दोनों का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग भी और ड्राइंग भी। यहां पे पूछो कौन सा काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से यहां पे ड्राइंग एजेंट, क्योंकि यहां HCl के अंदर तो पानी नहीं है, HCl के साथ पानी है। तो आपसे पूछता है कि ड्राई कैसे करना है, है ना, तो ड्राइंग एजेंट कौन होगा, कंसेंट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहां पे बनता है, जहां पे पानी को वो अंदर से निकालता है, ठीक है। तो ये हो गई, फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि यार HCl को जो तुम ड्राई कर रहे हो, why we can't use कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अपन क्विक लाइम भी बोलते हैं, है ना, ये भी बहुत बढ़िया ड्राइंग एजेंट है। तो सवाल आया कि यार साहब इसको क्यों नहीं यूज करते कैल्शियम ऑक्साइड को, तो यार आंसर बड़ा साफ है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड तुम ध्यान से देखो बेस है, और HCl तुम सब समझते हो, अभी बताया भी मैंने कि क्या है एसिड, एसिड बेस भाई साहब आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, क्या दे देंगे CaCl2 सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप क्विक लाइम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि क्विक लाइम बेसिक है और HCl एसिडिक है, दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो आप क्विक लाइम नहीं यूज करो, बल्कि क्या यूज करो कंसेंट्रेटेड H2SO4। अब ये भी एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करेगा और वाटर वेपर निकाल देगा। तो HCl को ड्राई करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नहीं यूज करते हैं क्विक लाइम, याद रखना है क्विक लाइम को यूज नहीं करते। अच्छा तो ये क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl से, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl से, यही सब सवाल बनते हैं, नोट्स में भी देख लो। पहला सवाल यही कि टेम्परेचर 200 से कम क्यों, बता दिया 200 से ज्यादा करोगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा जो कि हार्ड क्रस्ट है, चिपक जाएगा,
दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि ग्लास टूट सकता है ओवर हीटिंग से, तीसरा क्या था फ्यूल बर्बाद होगा, फिर HCl को हम ड्राई कैसे करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, क्विक लाइम से नहीं करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड से क्योंकि वो बेसिक है, HCl एसिडिक है आपस में रिएक्ट कर जाएगा। तो ये बच्चों लैब प्रिपरेशन से ये सवाल मतलब कि HCl गैस की प्रॉपर्टीज बताइए। तो HCl गैस की कुछ प्रॉपर्टी तो पहले ही आपको बता दी गई कि हमारी HCl गैस एसिडिक इन नेचर है, जबकि हमने बताया लिटमस का कलर वगैरह चेंज नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी चीज हमने बताई सार इन टेस्ट है, सब एसिड होते हैं। दूसरी चीज ये गैस हमारी पंजेंट इन स्मेलिंग है ना, मतलब चोक करती है स्मेल, इसकी खराब लगती है। और क्या बताया भाई साहब, ये कलरलेस होता है, इतनी प्रॉपर्टी से काम बन जाना है। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसकी हाई सॉलिबिलिटी इन वॉटर, यानी HCl ना पानी में बहुत ज्यादा सॉलिबल है, हाईली सॉलिबल इन वॉटर, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉलिबल है। तो ये हाई सॉलिबिलिटी ऑफ HCl इन वॉटर के लिए एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया है, एक एक्सपेरिमेंट है जो इस बात का सबूत देता है कि हाँ कि HCl पानी में बहुत सॉलिबल है, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट झरने का एक्सपेरिमेंट सबने देख रखा है, नहीं देख रखा आइए दिखाते हैं। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो प्रूफ करेगा कि HCl पानी में बहुत ज्यादा सॉलिबल है। हम क्या करेंगे, यहां पे एक फ्लास्क लेंगे उल्टा करके ऐसे, और इसको लटका देंगे इस तरह से, फिर ऐसे एक स्टैंड लगाया और इसको यहां से पकड़ के इसको लटका दिया, ठीक है, इसको यहां से पकड़ के मैंने लटका दिया। यहां पे हम एक छोटा सा बीकर रखेंगे और बीकर में हम रख लेंगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब हम एक जेट ट्यूब लगाएंगे, है ना, जेट ट्यूब मतलब क्या है, पतली सी कैपिलरी ट्यूब, मतलब पतला सा एक ग्लास का पाइप लगा देंगे यहाँ पे ऐसे जेट के फॉर्म में, कि यहां से जब पानी निकले तो एकदम फव्वारे जैसा निकले, बढ़िया सा, है ना, फाउंटेन जैसा, ठीक है। डायग्राम पे मत जाओ, फीलिंग को समझो, एग्जाम बगल में है, सब एक दूसरे की फीलिंग को समझे। अच्छा, और साथ में एक ड्रॉपर लगा देंगे यहां से, ड्रॉपर, है ना, बड़ा बन गया ड्रॉपर, और ड्रॉपर में भर देंगे पानी, इस ड्रॉपर में भर देंगे हम पानी, ठीक है, और इस पूरे वेसल में हम भर देंगे HCl गैस एकदम बढ़िया से, इसमें एकदम फुल HCl गैस है, इसको हम भर देंगे, और ये यहां से पूरा हमारा ब्लॉक है, ठीक है, कहीं से HCl गैस निकल नहीं सकती, ठीक है, और इस ड्रॉपर में पूरा पानी भर रखा है, ठीक है, ड्रॉपर के अंदर पानी भर रखा है, और ये जेट ट्यूब हमारा खाली है यहां पे लगा हुआ है। अब ये मत बोलना कि HCl का क्या होगा, दिखाते क्या होगा। अब हमने क्या किया, हमने इस ड्रॉपर को पुश किया, हमने ड्रॉपर को स्क्वीज किया, हमने ड्रॉपर को स्क्वीज किया। तो यार ड्रॉपर को स्क्वीज करने से क्या होगा कि जो ये वाटर है ये वेसल में एंटर करेगा, है ना, वाटर जो है वेसल में एंटर किया, पानी वेसल के अंदर गया। अच्छा, अब होता क्या है, पानी वेसल में जैसे ही अंदर जाता है नीचे से एक फव्वारा ऊपर आता है, है ना, एक्सपेरिमेंट तो यही है ना, एक्सपेरिमेंट बता रहे ना, क्यों हुआ ये बात बताएंगे। जैसे ही तुम ड्रॉपर को दबाओगे यहां से फव्वारा ऊपर आ गया, तुमने ड्रॉपर ऐसे दबाया कुछ यहां से फव्वारा ऊपर, कचक, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्या हुआ, यहां से ड्रॉपर दबाने से यहां से फव्वारा ऊपर क्यों आया, फाउंटेन ऊपर क्यों आया। आइए, जैसे ही आपने ड्रॉपर को स्क्वीज किया वॉटर वेसल में एंटर किया, नाउ वेसल के अंदर क्या थी, HCl गैस, तो वेसल में क्या भरी थी, वेसल में भरी थी HCl गैस, और ये HCl गैस, ये जो वॉटर है HCl गैस डिसॉल्व्स, HCl गैस डिसॉल्व्स इन दिस वाटर, आपने इसको स्क्वीज किया इसके अंदर पानी आया, HCl गैस इसमें डिसॉल्व की। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, देयर इज सम वैक्यूम इन वेसल, क्यों भाई, क्यों वैक्यूम हुआ बताओ सर, क्योंकि भाई HCl गैस कुछ डिसॉल्व कर गई ना, कुछ HCl गैस खत्म हो गई, कुछ जगह खाली हो गई, गैस की प्रॉपर्टी होती है फैल के रहने की, अब पानी में वो डूब गई तो कुछ कुछ जगह गैस कम हो गई, तो यहां पे वैक्यूम बनने से क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर फॉल्स, यहां का प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर फॉल करने से क्या हुआ, आगे कहानी समझो, तो पानी कहानी स्टार्टिंग से बताते हैं, तुमने ड्रॉपर दबाया पानी गया, पानी जाने से HCl इसमें डिसॉल्व किया, HCl डिसॉल्व करने के बाद यहां पे थोड़ा सा वैक्यूम बना, और वैक्यूम बनने से यहां का प्रेशर कम हो गया, यहां पे HCl की कमी हो गई, जगह बच गई। अब यहां से देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये क्या होता है सर, अरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर, हवा का प्रेशर, हवा का दबाव, यहां से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से, और यहां पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया है, यहां प्रेशर कैसा हो गया, लो,
क्योंकि HCl गैस डिसॉल्व कर गई है. कितनी? थोड़ी सी. अरे बहुत. मैंने थोड़ी सी बोल दी क्या? बहुत बहुत डिसॉल्व कर गई है क्योंकि HCl गैस हाईली सॉल्युबल है. एक बात समझो, इसके अंदर जितनी HCl गैस थी ना, करीब करीब सारी डिसॉल्व कर गई है छोटे से पानी में. छोटे से पानी मतलब सर, मतलब यार ये समझो कि 1 ml पानी में करीब 700 ml HCl डिसॉल्व करेगा. यानी एक गुना पानी में 700 गुना HCl डिसॉल्व करता था ना. ड्रॉपर दबाया, दो बूंद पानी अंदर गई तो सारी की सारी HCl गैस करीब करीब इसमें डिसॉल्व कर गई. सो देयर इज सम वैक्यूम. देयर इज टू मच वैक्यूम, यू शुड से देयर इज टू मच वैक्यूम डिसॉल्व्स इन दिस वाटर. और HCl कितनी डिसॉल्व करेगी? ऑलमोस्ट ऑल HCl डिसॉल्व्स इन दिस वाटर, ऑलमोस्ट ऑल, क्योंकि पानी में हाईली सॉल्युबल है. अब यहां पूरा वैक्यूम बन गया भाई साहब, और यहां से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाएगा और इस ब्लू लिटमस को ऊपर लाएगा. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस ब्लू लिटमस टू राइज अपवर्ड्स. किस चीज ने, क्या नाम बताया था इसका मैंने? ये हर वीडियो में जरूर होता है. क्या बताया था इसका नाम? इसका नाम बताया था जेट ट्यूब, है ना. तो किसमें राइज किया? ऊपर जेट ट्यूब में, राइज अपवर्ड इन जेट ट्यूब, और जेट ट्यूब से बाहर आया. अब यहां थोड़ी बहुत तो HCl है. नाइस यार, पूरी खत्म. थोड़ी तो HCl है भाई, थोड़ी सी HCl वहां बची हुई थी. अब क्या हुआ कि ये लिटमस में पानी भी है, यानी HCl इस पानी से मिलेगा और एसिडिक बन जाएगा. और जैसे ही ये ब्लू लिटमस ऊपर आएगा, दिस ब्लू लिटमस will turn red in form of fountain, in form of fountain. ये blue litmus ऊपर आएगा और किस form में बाहर निकलेगा? In form of fountain. तो यार experiment क्या सबूत दे रहा है कि dropper दबाते ही ये फवारा ऊपर आया? क्या सबूत दे रहा है? दो सबूत दे रहा है. पहला सबूत तो ये दे रहा है कि dropper दबाते ही HCl इसमें डिसॉल्व कर गई, मतलब HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. अगर कोई पूछे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा सबूत क्या है, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला पर्पस क्या है? HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. देखो जैसे ही दबाया, HCl डिसॉल्व की, वैक्यूम बना, तभी तो ये ऊपर आया. दूसरी चीज ये क्या बता रहा है कि ब्लू लिटमस ऊपर जाके कैसे निकला? किस कलर का फाउंटेन है ऊपर? रेड फाउंटेन. ऊपर ब्लू फाउंटेन नहीं है, कैसा फाउंटेन है? रेड फाउंटेन. तो रेड फाउंटेन क्यों बना? क्योंकि HCl is acidic in nature. तो ये दो चीजें बता रहा है. पर जो इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा क्या बता रहा है कि HCl is acidic in nature. तो बच्चों हम बात करेंगे HCl गैस के टेस्ट की. जैसे हमने HCl की प्रिपरेशन की थी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो गैस HCl है? तो आप एक काम करो कि एक ग्लास रॉड लेके आओ जिसको अमोनिया के सोल्यूशन में डुबा दो, या आप कहीं से अमोनिया गैस लेके आओ. जब HCl और अमोनिया गैस रिएक्ट करेगी बच्चों, तो NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, और ये सॉलिड है. और इसके दिखते हैं हमको डेंस वाइट फ्यूम्स. तो ये हमारा टेस्ट फॉर HCl गैस हो गया. कोई हमसे बोले HCl गैस टेस्ट कैसे करेंगे, तो आप एक काम करो, अमोनिया गैस ले आओ, या तो ग्लास रॉड को अमोनिया के सोल्यूशन में डुबा के ले आओ. HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बनाता है अमोनियम क्लोराइड, विच हैज डेंस वाइट फ्यूम्स. और अमोनियम क्लोराइड सिलेबस में एक तरह से और इंपॉर्टेंट है. ये अकेला ऐसा कंपाउंड आपको सिलेबस में मिलेगा, सिलेबस में ऐसे तो बहुत हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और आयनिक बॉन्ड. बोर्ड में कई बार आता है कि ऐसे कंपाउंड का एग्जांपल दीजिए जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड हो. तो तीनों बॉन्ड इसके अंदर है अमोनियम क्लोराइड के अंदर. तो ये टेस्ट हो गया हमारा HCl गैस का. ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं HCl एसिड की. ठीक है, कि HCl जो हमारा एसिड होता है, तो भाइयों बच्चों HCl एसिड कैसे बनता है? भाइयों बहनों, है ना, तो रात काफी है, 3-4 रात से मेहनत चल रही है, तो यही हाल है. तो HCl बच्चों एसिड कैसे बनता है? हम एक काम करते हैं, HCl गैस को लेते हैं और उसको पानी में डुबा देते हैं. यहाँ हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने HCl गैस को डुबा दिया. ये HCl गैस आया और ये HCl गैस आया और इसको हमने पानी के अंदर डुबा दिया. अब HCl जब पानी में डूबेगा तो HCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा. बहुत बढ़िया, ये क्या बन गया? HCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि HCl एसिड बन गया. पर बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस. अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का सबसे मेन जो इन्फ्रेंस या रिजल्ट है वो ये है कि HCl गैस पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है. तो हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस यहाँ पे एक परेशानी है. क्या परेशानी है?
अच्छा HCl तुम कहीं ना कहीं से तो जनरेट कर रहे होगे, सर कैसे जनरेट कर रहे होंगे, वही अपना रिएक्शन NaCl plus concentrated H2SO4 वाला है ना, इस रिएक्शन से याद है क्या बन रहा था, HCl बन रहा था और NaHSO4 याद आ गया, टेम्परेचर बिलो 200, तो इससे तुम HCl बना रहे हो, जनरेट करते हुए HCl आ रही हो, यहाँ पर डुबा रहे हो, होता क्या है बच्चों HCl का जो ये जो डिजोल्विंग का रेट है ना ये बहुत ज्यादा होता है क्योंकि HCl इज हाई सॉल्युबल, वेरी हाई सॉल्युबल, तो इसका रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ डिजोल्विंग लिख लो, इजीली समझ लो, रेट ऑफ डिजोल्विंग ज्यादा हो जाता है रेट ऑफ जनरेशन से, रेट ऑफ जनरेशन से मतलब इतना HCl बन ही नहीं रहा जितना डूब जा रहा है, यहाँ पे HCl ज्यादा डूब रहा है, यहाँ से इतना नहीं बन रहा है, तो भाई साहब इस पूरे पाइप में आप देखोगे क्या होगा, इन ट्यूब, ट्यूब में क्या होगा, ट्यूब में बन जाएगा वैक्यूम, क्यों वैक्यूम बनेगा साहब, भाई जितनी HCl खींच के तुरंत इधर, जितनी HCl खींच के इधर, क्योंकि HCl बहुत तेज डिजोल्व हो रही, इतनी तेज जनरेट नहीं हो रही, अब ट्यूब के अंदर वैक्यूम और बाहर से लगेगा बच्चों क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, बाहर से क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सारा पानी इसके अंदर घुस जाएगा पाइप के अंदर, और जो पानी वापस अंदर घुस जाता है ना, हुआ क्या, ये ट्यूब पूरा खाली हो गया, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ऐसे करते हैं तो हम पाइप के अंदर वैक्यूम बनाते हैं, उससे कोल्ड ड्रिंक ऊपर आती है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो हम उसको सक करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे वैक्यूम बनने से एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगाया और पानी ऊपर गया क्योंकि यहाँ से HCl गैस सारी इसमें डिजॉल्व हो गई, अंदर वैक्यूम बन गया, अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा पानी ऊपर चला गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों बैक सक्शन, बैक सक्शन, कोई पूछे कि बैक सक्शन का रीजन क्या है, बैक सक्शन क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस, HCl बहुत तेज डिजॉल्व होती है, वैक्यूम बनता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है और ये पानी, इसको बोलते हैं बैक सक्शन, और ये अच्छी चीज नहीं है, बोलोगे क्यों नहीं है, अरे यार बैक सक्शन होके पानी यहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर पड़ जाएगा, हमारे रिएक्टेंट खराब हो जाएंगे, रिएक्शन तो बर्बाद हो गया पूरा रिएक्शन, पानी वापस नहीं जाना चाहिए, तो इस बैक सेक्शन को हमें प्रिवेंट करना ही करना है ना, इस बैक सेक्शन को हमें प्रिवेंट करना है, और इस बैक सेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको हम देखते हैं, और बड़ा फेमस है और बोर्ड में बहुत पूछा जाता है मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म का बच्चों नाम है इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। अब ये क्या कहानी है, ये जो आप पाइप लेके आ रहे थे, जो ग्लास लेके आ रहे थे, इसको सीधा मत डुबाओ डिलीवरी ट्यूब को, डिलीवरी ट्यूब है ना, इसी से तो HCl डिलीवर हो रहा है, तो डिलीवरी ट्यूब को सीधा मत डुबाओ, इसमें लगा दो एक ये बैक सक्शन, ऐसे एक ना रोकने के लिए इन्वर्टेड फनल, बैक सक्शन को रोकने के लिए एक उल्टा फनल लगा दो। अच्छा फनल लगाने से क्या होगा साहब, साहब क्या फायदा होगा फनल लगाने से, आइए समझाएं आपको कि फनल से क्या फायदा होगा। देखो सबसे पहली बात ये होगी कि ये सरफेस एरिया बढ़ गया, अब जो HCl गैस आएगा वो यहाँ से डिजोल्व होगा, यहाँ से डिजोल्व होगा, यहाँ से डिजोल्व होगा, यहाँ से डिजोल्व होगा, यहाँ से डिजोल्व, मतलब यार समय मिलेगा HCl को डिजोल्व होने के, पहले HCl यहाँ कलेक्ट होगा तब डिजोल्व होगा, पहले यहाँ कलेक्ट होगा तब, जब तक यहाँ HCl भरता जाएगा तब तक यहाँ से HCl आता जाएगा, यहाँ से HCl जनरेट होता जाएगा, मान लो यहाँ से सारा HCl डिजोल्व हो गया तो समय लगेगा ना HCl को, ये रास्ता कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे HCl का आने का रास्ता थोड़ा बड़ा हो गया, तो आराम से आएगा, तब तक इधर से HCl ट्रैवल कर सकता, मतलब ये जगह बड़ी हो गई तो आराम से धीमे 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 डिजोल्व होगा, ऐसा नहीं कि एक ही छोटा सा पाइप था तो डिजोल्व होगा। तो सबसे पहली चीज इसने क्या की, प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया, छोटा सा सरफेस हो गया तो खींच के उसमें से अंदर चली जाती है HCl, अभी बड़ा सरफेस एरिया धीमे धीमे हर जगह से धीमे धीमे HCl जा रहा है, यहाँ पे कलेक्ट होने में समय लग रहा है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो समझिए कि मान लीजिए यहां से HCl बहुत तेज नीचे चला गया, ठीक है, अब इसके अंदर वैक्यूम बनेगा, अगल बगल से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, तो होगा क्या कि ये रबर के ट्यूब के अगल बगल आप देखोगे कि जो पानी का लेवल है, जो पानी का लेवल है वो नीचे हो जाएगा, रबर का ट्यूब ऊपर हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हवा में चला जाएगा, हवा में जाते ही ग्रेविटी उसको वापस खींचेगी नीचे आएगा, और नीचे आते ही इसमें फिर से ये काम स्टार्ट, मतलब ये ऐसे 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 करता रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या प्रिवेंट करेगा, इट प्रिवेंट्स बैक सक्शन ऑफ वाटर। क्या हुआ भाई साहब, यहां से HCl आया और इसमें HCl डिजोल्व किया, बहुत तेज डिजोल्व किया, बहुत तेज डिजोल्व किया, तो यहाँ पे वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम बनाया अगल बगल, तो थोड़ी देर के लिए पाइप ऊपर हुआ, ऊपर हुआ फिर पाइप नीचे गिर जाएगा, क्यों नीचे गिर जाएगा, HCl इसमें भरा हुआ है,
फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर ऐसे 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 करके थोड़ा सा हिलता रहेगा। तो इन्वर्टेड फ्लैन अरेंजमेंट का सबसे मेजर काम क्या है, क्या प्रिवेंट करना, बैक सेक्शन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना। और कैसे प्रिवेंट करेगा, बाय प्रोवाइडिंग लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है। और इस तरह से हम बना लेंगे HCl गैस से HCl एसिड, क्या बना लेंगे, HCl एसिड। अब HCl एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखे HCl एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, पहली चीज तो वो एसिडिक है ना, प्योरली एसिडिक है, मतलब लिटमस वगैरह पे पूरा एक्शन करेगा है ना, गैस नहीं करती। HCl गैस लिटमस पे रिएक्शन नहीं करती, HCl गैस मॉइस्ट लिटमस पे रिएक्शन, मतलब लिटमस में पानी होना चाहिए तभी वो एसिड बनेगा। HCl गैस लिटमस का कलर चेंज नहीं करती, HCl एसिड करता है, HCl गैस चेंज करती है मॉइस्ट लिटमस का। HCl एसिड लिटमस को कैसे चेंज करेगी, सब जानते हैं, ब्लू से रेड में, मिथाइल ऑरेंज भाई साहब, मिथाइल ऑरेंज भाई साहब, ऑरेंज से पिंक पे, और एक और होता है हमारा फिनोक्थलीन, फिनोक्थलीन, फिनोक्थलीन कैसा रहेगा, कलरलेस। अगर फिनोक्थलीन पहले से कलरलेस है तो बाद में भी रिमेन्स कलरलेस, फिनोक्थलीन एसिड में कैसा रहता है, कलरलेस। तो HCl एसिड वाली सारी प्रॉपर्टी दिखाता है ना, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा अगर, है ना, एक्वा सॉल्यूशन जैसे डालोगे क्या रिलीज करेगा, H+ माइनस रिलीज करेगा। तो HCl के पास सारी एसिड वाली प्रॉपर्टी है, एक करोसिव, एक बढ़िया एसिड है, ठीक है। अच्छा तो HCl एसिड कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है, यार तुमने चैप्टर पढ़ा है एसिड बेसिस सॉल्ट, तो वहां से जल्दी जल्दी HCl की प्रॉपर्टी देखो, जैसे रिएक्शन विथ मेटल्स। तो यार एसिड बेसिस सॉल्ट एक बार जल्दी से याद करो, अगर मेटल है और मेटल अबव हाइड्रोजन है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, जैसे जिंक का याद है रिएक्शन, जिंक विद HCl डाइल्यूट, याद आ गया, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है ना, होता है कि बैलेंस करना, कब होता है ये, जब मेटल कहाँ से रखा हो, हाइड्रोजन के ऊपर रखा हो, जैसे मान लो अपन रिएक्शन मैग्नीशियम करा दें विद HCl डाइल्यूट, तो मैग्नीशियम भी कहाँ रखा है, H के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अच्छा अगला रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ बेस, तो यार इसमें तो डाउट ही नहीं है, बेस प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कोई भी एक रिएक्शन लिख के देख लो, जैसे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, HCl ले लिया, ये बेस हो गया, एसिड हो गया, तो क्या बनेगा, Ca सॉल्ट बनेगा ना, CaCl2 और क्या बन जाएगा, H2O, बैलेंस कर लो इसको। जैसे हम यहाँ पे ले लें NaOH प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा हमारा, NaCl प्लस H2O। इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे ले लूँ NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O, और NH4Cl के हमें क्या दिखेंगे, डेंस वाइट फ्यूम्स, है ना। तो HCl एसिड को भी टेस्ट करना हो तो वही तरीका है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले आओ, उसमें HCl गैस को डिबा दो, तो आपको क्या मिलेंगे, डेंस वाइट। तो रिएक्शन विद बेस यार बहुत सिंपल, एसिड बेसिस सॉल्ट वाली, देखो जो एसिड की प्रॉपर्टीज है ना एसिड बेसिस सॉल्ट में पड़ी वही HCl में लगानी है, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। HCl एक रेगुलर एसिड है, जैसे नाइट्रिक एसिड एक कमाल का एसिड है, जैसे सल्फ्रिक एसिड एक कमाल का एसिड है, पर HCl ना एक सिंपल एसिड है। एसिड बेसिस सॉल्ट जो चैप्टर पढ़ते हैं ना एसिड्स, वो इसी के लिए पढ़ते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी रिएक्शन विद बेस, बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर भी दिखाता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करना, इन्हीं की प्रॉपर्टी। जैसे अगली प्रॉपर्टी दिखाऊंगा इनकी, रिएक्शन विद, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। तो यार ये तो भूल ही नहीं सकते तुम, भूल गए क्या, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, तो मेटल का कार्बोनेट हो और कोई एसिड हो, तो भाई साहब क्या बनता है, सॉल्ट, और क्या बनता है, वाटर, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कोई भी रिएक्शन लिख लो यार, जैसे मान लो ये दिया हो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और एसिड ले लो HCl, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रेगुलर रिएक्शन एसिड वाली। जैसे मान लो यहाँ कोई कार्बोनेट दूसरा दिया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है, MgCO3 प्लस HCl, क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेट साथ रिएक्ट करके एसिड क्या देते हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही बना। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, क्लोराइड बनेगा, क्योंकि HCl है। जैसे तुम्हारा रिएक्शन विद, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, ठीक है, सल्फाइड्स क्या होते हैं, ये ग्रुप होता है SO3 2 माइनस, तो सल्फाइड के साथ रिएक्शन में क्या मिलता है यार, तो अगर मान लो मेरे पास कोई सल्फाइड है और मेरे पास एसिड है, तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर और
सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे मैं कोई सल्फाइड ले लूं, जैसे सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस HCl, तो मिलेगा सॉल्ट NaCl प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे मैं यहां पे जिंक सल्फाइड ले लूं ZnSO3 प्लस HCl, रेगुलर रिएक्शन है, कुछ नया नहीं मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो यार एकदम रेगुलर रिएक्शन जो एसिड वाले वही लिख रहा हूं। जैसे रिएक्शन विद, मान लो एसिड में हमने पढ़ा था रिएक्शन विद सल्फाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है एसिड बेसिस सॉल्ट का, सल्फाइड होते हैं हमारे S2-, तो सल्फाइड से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड से जब रिएक्शन कराते हो एसिड का, सल्फाइड से जब रिएक्शन कराते हो आप एसिड का, तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, ठीक है। जैसे मान लो जिंक सल्फाइड का रिएक्शन बहुत पूछता है, जिंक सल्फाइड प्लस HCl, तो हमारा बनेगा ZnCl2 प्लस H2S, बैलेंस कर लीजिए इसको। जैसे मान लो लेड सल्फाइड है PbS प्लस HCl, तो हमारा बनेगा PbCl2 प्लस H2S। ये सल्फाइड के साथ रिएक्शन का एक रिएक्शन इसका बहुत पूछता है यार, मतलब HCl का ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो। और ये एसिड बेसिस सॉल्ट में नहीं मिलता, मैं जल्दी से डिस्कस कर दूं। इसके पहले क्या क्या बताया, रिएक्शन विद मेटल बताया, तो मेटल से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, रिएक्शन विद बेस बताया, एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट और वाटर है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसका नाम, रिएक्शन विद कार्बोनेट बताया, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट, रिएक्शन विद सल्फाइड बताया, वाटर सॉल्ट सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद सल्फाइड बताया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, याद होना चाहिए, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर अच्छे से देख लो। इसके बाद जो है रिएक्शन विद थायोसल्फेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद थायोसल्फेट्स, तो बच्चों थायोसल्फेट्स होता है S2O3 2-, तो सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन आपके सिलेबस में दिया है Na2S2O3 2-, यहां से 2- दिया, सॉरी यहां पे सोडियम थायोसल्फेट Na2S2 प्लस HCl। बच्चों इस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, एक तो सॉल्ट मिलता है NaCl का, वाटर मिलता है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है गैस, और हमको सल्फर का प्रेसिपिटेट मिलता है, यहाँ हमको येलो सल्फर का प्रेसिपिटेट, ध्यान से देख लो, रिएक्शन बोर्ड में आ सकती है, बहुत चांसेस है। सोडियम थायोसल्फेट प्लस HCl गिव्स NaCl, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, ये रेगुलर रिएक्शन सल्फाइड जैसा, सल्फाइट, मान लो थायोसल्फाइड सल्फेट की है, सल्फाइड होता है, सल्फाइड होता तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता, वाटर मिलता, सॉल्ट मिलता, ऐसा समझो। मान लो थायोसल्फेट नहीं आता तुमको, सल्फाइड याद है, सल्फाइड SO3 वाला, तो सल्फाइड में क्या क्या बना था, वाटर सॉल्ट सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी वाटर सॉल्ट सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ तक याद रहेगा। अब ये याद करो, लर्न कर लीजिए कि साथ में इसमें सल्फर का प्रेसिपिटेट, येलो सल्फर का प्रेसिपिटेट, यानी सल्फाइड से रिएक्शन कराओगे, मान लो सोडियम सल्फाइड जिंक सल्फाइड, तो वाटर सॉल्ट सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी वाटर सॉल्ट और सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ साथ में क्या बनेगा, सल्फर का येलो प्रेसिपिटेट। अब बच्चों इसके बाद एक रिएक्शन इसका नाइट्रेट के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद नाइट्रेट्स, रिएक्शन विद नाइट्रेट्स, तो यार नाइट्रेट्स में ये लेड नाइट्रेट वाला बहुत पूछता है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस HCl, तो हमारा बनेगा PbCl2 प्लस HNO3, दूसरा एसिड बन गया नाइट्रेट एसिड। अब लेड क्लोराइड का होता है वाइट प्रेसिपिटेट, इस रिएक्शन में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड। अब जैसे हमसे पूछ लिया और क्या पूछ सकता है नाइट्रेट में, सिल्वर नाइट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, AgNO3 प्लस HCl, तो बनेगा AgCl प्लस HNO3। अब AgCl भी होता है वाइट प्रेसिपिटेट, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, गाढ़ा वाइट प्रेसिपिटेट AgCl का। तो सिल्वर नाइट्रेट हो लेड नाइट्रेट हो, दोनों HCl से रिएक्शन करके क्लोराइड बनाते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट की क्लोराइड हो, सिल्वर की क्लोराइड हो या लेड की क्लोराइड हो, दोनों ही इनसॉल्युबल होती है, मतलब प्रेसिपिटेट। तो नाइट्रेट का रिएक्शन देख लो, नाइट्रेट में एक तो नाइट्रिक एसिड बन रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, लेड जाके इससे कंबाइन कर लेता है, हाइड्रोजन जाके इससे कंबाइन कर लेता है सिंपल। तो थायोसल्फेट वाला रिएक्शन याद रखना है, फिर से बोल रहा हूँ कि थायोसल्फेट का रिएक्शन सल्फाइड से याद रखो, सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर का प्रेसिपिटेट, और नाइट्रेट के रिएक्शन में एक लेड नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट, बस दो ही आएंगे और कोई, और दोनों में वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट हो या लेड नाइट्रेट हो, दोनों से क्या बनता है हमारा, वाइट प्रेसिपिटेट, इसमें लेड क्लोराइड का, इसमें सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के बारे में ध्यान से सुनो, सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन HNO3, इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ HNO3, तो नाइट्रिक एसिड बहुत ढेर सारा भी डाल दो
HCl soluble नहीं है, but soluble in excess of अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना भाई साहब, इसकी बड़ी खास प्रॉपर्टी है. जैसे एग्जाम में आता है कि यहाँ पे एक सब्सटेंस ए बनेगा विच इज कर्टिवाइट प्रेसिपिटेट, आप लोग पूछ रहे हो ना कई बार मेरे से कमेंट में कि ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं. बोलेगा कि यहाँ पे एक सब्सटेंस ए बना जो कर्टिवाइट प्रेसिपिटेट है विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ HNO3 बट सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नेम दिस सब्सटेंस, तो बता दो भाई सिल्वर क्लोराइड. याद रखना पड़ेगा इसके लिए डेटा, ये डेटा याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर क्लोराइड वो सब्सटेंस है जो एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है बट नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल नहीं. तो इसके लिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का चैप्टर लास्ट में देखो नोट्स दिया एकदम बढ़िया से, उसमें यार कुछ नहीं ऐसा है कि समझना है मेरे को पढ़ना है, कुछ नहीं. उस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले को फाड़ो, उसको चिपका लो और दिन में एक बार देखते रहना, दो दिन का छुट्टी उसको देखते रहो. उसमें से 9 गैसेज याद कर लो, सॉल्ट याद कर लो, ये सब याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं से ये सब सवाल आते हैं, तो पूछ रहे हो ना कहाँ से सवाल आ रहे हैं सर, यहीं से आ रहे हैं यार, याद करनी है. अब पूछ लगा तुमसे नेम ऑफ सॉल्ट, नेम दिस सॉल्ट एक्स विच इज कर्टी वाइट, यहाँ पे एक्स लिख देगा, बोलेगा विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ HNO3 बट सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH. फिर मान लो इसको एक्स, इसको वाई, बोलेगा वाई बताओ, तो वाई सिल्वर नाइट्रेट, अगर रिएक्शन ऑफ वाई विद HCl बताओ. तो यार इस तरह के रिएक्शन क्वेश्चन के लिए थोड़ा तैयार रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सिल्वर क्लोराइड. दिस इज वॉट लेड क्लोराइड. लेड क्लोराइड के बारे में बात करें तो ये हॉट वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन हॉट वाटर. इसके बारे में भी एक खास बात, सॉल्युबल इन हॉट. तो यार ये HCl के रिएक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला रिएक्शन याद रखना, क्यों? क्योंकि उसमें डेंस वाइट फ्यूम्स बन जाते हैं. HCl का कोई टेस्ट पूछे क्या है, तो ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया गॉट नियर HCl विल गिव डेंस वाइट फ्यूम्स वाली रिएक्शन एक तरह से और इंपॉर्टेंट होती है, वो पूछता है बोर्ड में, है ना. जितना बोर्ड पे लिखा था ना अभी पिछले थोड़े देर में, इतने में से ही सवाल आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आना, बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतना कर लो. NH3 प्लस HCl विल गिव वॉट NH4Cl. अब देख ये क्या है, गैस, ये क्या है गैस, और ये क्या है सॉलिड. बोलेगा कि यार ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें दो गैस रिएक्ट करके सॉलिड बना दूँ, सर रंग कैसा है, डेंस वाइट फिल्म. अच्छा यही रिएक्शन देखो तुम्हारा टेस्ट बन जाएगा अमोनिया का भी. तुमसे बोले अमोनिया का टेस्ट क्या है, ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl गॉट नियर अमोनिया विल गिव डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl. ठीक. और इसके बाद एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत आता है वो आता है आपका एक्वारीजिया. तो एक्वारीजिया नाइट्रिक एसिड वाला चैप्टर देख लो, उसमें मैंने पढ़ा रखा है. नाइट्रिक एसिड चैप्टर के लास्ट में जाके देखोगे तो एक्वारीजिया मैंने पूरी तरह से